महीने भर में कोई पता ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं है, जिंदा है भी है या नहीं है ये भी पता नहीं है। तो फिर पुलिस वाले सर क्या दीदी? सब दीदी है, महीना भर हो गया सर। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। महीना भर हो गया मेरी बच्ची को। पुलिस थाने में जाते हो तो थाने में कुछ नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती थाने के अंदर। पागल बनाते थाने के अंदर, यही बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस इसके ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मंत्री की या किसी ऑफिसर की होती तो 24 घंटे में आ जाती हूँ। आज महीना भर हो गया, महीने भर में कोई पता ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं है, जिंदा है भी है या नहीं है ये भी पता नहीं है। तो फिर पुलिस वाले सर क्या कर रहे हैं? सब दीदी है, महीना भर हो गया सर। कलेक्टर ही जाओ, कलेक्टर से यहाँ आओ, यहाँ से वहाँ जाओ, आई जी मैडम के पास वहाँ जाओ, और कुछ नहीं है, बस यही घूम रहे हैं।28 अगस्त से रामगंज थाना क्षेत्र में हमारे समाज की एक बेटी नाबालिग है, 17 साल की है, वो लापता है। जो उसे गायब करने वाले हैं उन लोगों के नाम सहित रिपोर्ट 29 अगस्त को ही पुलिस थाना रामगंज पर दे दी गई थी। आज एक महीने ज़्यादा का समय हो गया है, दो बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, आज हम आईजी मैडम के पास जाके आए, उन्हें निवेदन किया है, उन्होंने एसपी साहब को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप थानाधिकारी से एक टीम बना करके और तत्काल इस बच्ची को दस्तयाब करें। एक महीने से नाबालिग बच्ची का पता नहीं लग रहा है, इसे समाज में बड़ा रोष है और इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। नामजद मुलजिम है, जानकारी दे दी गई है, उनके परिवारजन जो नामजद लोग हैं उनके परिवारजन आज भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक बच्ची के जानकारी करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, बड़ा ही हल्के तरीके से जाँच कर रहे हैं। अब आज हमारी बच्ची जिंदा है नहीं है ये भी जानकारी इनको नहीं है, उसके साथ क्या हुआ एक महीने से, वो कहाँ है, उसे पाताल निकल गया या आसमान निकल गया, कोई जानकारी नहीं। जब भी जाते हैं एक सूचना देते हैं कि साहब हम तहकीकात कर रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये निर्णय किया है, हमने निर्णय किया है, हम आईजी साहब के पास आप जाके आए हैं, आईजी मैम ने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं। अब अगर 7 दिवस में कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर 7 दिवस में भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमने निर्णय किया है कि हम एक बैठक करेंगे और उसके बाद में एक प्रभावी आंदोलन करने की। तो जिस प्रकार से अजमेर में बच्चे गायब हुए हैं, कई नाबालिगों की रिपोर्ट दर्ज है और उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल हमारे नहीं कई मामले चल रहे हैं, जो इस मामले में जिस प्रकार का ढीला रवैया पुलिस प्रशासन का है उसको देखते हुए एक प्रभावी आंदोलन करने की सोचेंगे, विचार करेंगे। 7 दिवस में कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं होता तो आगे बढ़ने के लिए हम निर्णय करेंगे। ऐसा कौन है और किनके नामजद मामला दर्ज कराया? ये पड़ोस के ही लोग हैं, और क्योंकि नाबालिग का मामला है अभी तक कोई जानकारी नहीं घटना किस तरफ जाएगी क्या होगा, इसलिए विशेष डिटेल नहीं देकर के मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाबालिग बच्ची की एक महीने से कोई पड़ताल नहीं कर पाए और पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। आपका नाम? किशन गुजर।